जी हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले, क्योंकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस न कर पाए। IPL 2021, धोनी के सुपर किंग्स और रोहित के इंडियंस में होगा घमासान। T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी को परखने का आखिरी मौका। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच रविवार को होने वाले पहले मैच से इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण का आगाज होगा। इस T20 लीग के जरिए खिलाड़ियों को T20 विश्व कप से पहले UAE की परिस्थितियों को समझने का भी मौका मिलेगा। भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण IPL को मई में बीच में स्थगित करना पड़ा था। उस समय तक टूर्नामेंट के 29 मैच ही हो पाए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI अब ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। BCCI को IPL के दूसरे चरण के आयोजन के लिए कार्यक्रम तय करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में COVID-19 के मामले पाए जाने से BCCI के वीसा से फूलने लगी थी, लेकिन यह बड़ा मुद्दा नहीं बना तथा भारत और इंग्लैंड के बीच खिलाड़ियों को IPL में खेलना है वे सुरक्षित यहाँ पहुँच गए। पिछले वर्ष पूरा IPL UAE में खेला गया था और तब किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। BCCI को इस बार भी यहाँ टूर्नामेंट के सफल आयोजन की उम्मीद है। IPL में 2019 के बाद पहली बार सीमित संख्या में दर्शक भी उपस्थित रहेंगे, जिसमें टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ गया है। मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 31 बार आमने सामने हुई है, जिसमें 19 बार मुंबई और 12 बार चेन्नई ने मैच जीते हैं। चेन्नई और मुंबई की टक्कर के साथ ही रविवार को IPL बहाल होगा। मुंबई ने अब तक 7 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है और किसी भी तरह की ढीली शुरुआत उसे भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।